हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है कि पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन ए स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मीन्स इट मे बी मेटल और सेमीकंडक्टर, इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड अ डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू इट, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एजेस in the perpendicular direction of the current as well as magnetic field. This effect is called as Hall effect. मतलब कि suppose ये कोई specimen है जो हमारे magnetic field में रखा हुआ है, ऊपर हमारा north pole है, नीचे south pole है, और तो इसका जो magnetic field का direction हो गया up से down। इस पर अगर हम कोई current flow कराते हैं इस इन दोनों के बीच से, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने को ही कहते हैं हॉल इफेक्ट। इसको देखते हैं, इसको कैसे क्रिएट होता है। इसको जानने से पहले हमें लॉरेंट्स फोर्स जानना जरूरी है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जानना जरूरी है। लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू इज चार्ज, वी इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स हमारा क्या होगा, राइट साइड को लग रहा होगा, लेकिन ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही फोर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड को लग रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को मूव कर रहे हैं और करंट इधर को फ्लो कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन पर एक फोर्स लगेगा जो जो फोर्स इनको इस तरफ को पुश करेगा। क्यों? क्योंकि इधर हमारी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, नी डाउनवर्ड हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स जो हमारा लगेगा इस साइड को लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी इधर से आ रहे हैं वो इस तरफ को एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और होल्स हमारे इधर ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो ये हमारा एक वोल्टेज डिफरेंस बना रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। इसको आप इधर से वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा हॉल इफेक्ट। अब इसमें क्योंकि इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो जाएगा जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा होगा, डायरेक्शन जिसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब आगे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इजिकल टू क्यू इन टू ई और मैग्नेटिक फोर्स है एफ इजिकल टू क्यू वी बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने से क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इजिकल टू बी इंटू वी आ जाएगा। हमें पता है कि वी इजिकल टू होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो वी इजिकल टू आ जाएगा बी इंटू वी इंटू डी। यहाँ पर दो वी आ रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी इज यूज ट्वाइस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वी है, इसको हम हॉल वोल्टेज से डिनोट कर सकते हैं। तो वी एच इजल टू हो गया बी वी डी। नाउ करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इज जे, जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, और जे हमारा रो इंटू वी भी होता है। यहाँ से जो हमने ए ए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ या डब्लू इंटू डी, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो जे इक्वल टू हो गया आई अपन डब्लू डी, और ये हमारा रो इंटू वी भी होता है, तो इन दोनों को जब हमने इक्वल कर दिया तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई अपन रो डब्लू इंटू डी। अब ये वी हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो वी एच इजल टू आ जाएगा बी इंटू आई अपॉन रो डब्लू डी इंटू डी,
डी से डी कैंसिल हो गया, तो वी एच हॉल वोल्टेज आ जाएगा बी इंटू आई अपॉन रो ओमेगा। तो ये है हमारा हॉल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन के ऊपर, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन हॉल वोल्टेज यूज हॉल इफेक्ट यूज़ होता है। हॉल इफेक्ट यूज करते हैं इस जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसके टाइप को फाइंड करने के लिए, वो पी टाइप है या एन टाइप है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। उसमें कैरियर कंसंट्रेशन कितना है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल फाइंड की जा सकती है, मोबिलिटी फाइंड की जा सकती है, और इट कैन मेजर ऑल्सो द पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पावर है उसको भी हॉल इफेक्ट से मेजर किया जा सकता है।